क्वेश्चन नंबर 11, अ कार हैज टू वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप, ईच वाइपर हैज अ ब्लेड ऑफ 25 सेंटीमीटर, स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री, 115 डिग्री का एंगल बना रहा है वाइपर, फाइंड द टोटल एरिया क्लीन एट द स्वीप ऑफ ब्लेड्स। सो वी नीड टू फाइंड आउट दिस एरिया ऑफ सेक्टर, थीटा का वैल्यू हमें गिवन है 115 डिग्री, रेडियस ऑफ द सेक्टर, रेडियस ऑफ द सेक्टर इज 25 सेंटीमीटर। सो एक ब्लेड का एरिया कितना होगा, दैट इज एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा का वैल्यू हम लेते हैं 115 अपॉन 360, पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस इज 25 × 25, सो यहाँ पे हम इसको कैंसिल कर देते हैं 5 से, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 7 ज़ा 35, 5 2 ज़ा 10, सो हमारे पास बचता है 23 अपॉन, इसको हम 2 से कैंसिल कर सकते हैं, 2 11 ज़ा, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, अब और कैंसिल नहीं हो सकता, सो न्यूमरेटर में हमारे पास बचता है 23 × 11 × 25 का स्क्वायर कर देंगे 625, डिनोमिनेटर में 36 × 7, सो हमारे पास क्या बचता है, दिस वैल्यू इज, हम 23 11 और 625 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें मिलता है 158 125, और नीचे बचता है 252। नाउ दिस इज द एरिया ऑफ, एरिया स्वीप्ड बाय वन ब्लेड, हमें फाइंड करना है एरिया स्वीप्ड, टोटल एरिया स्वीप्ड बाय टू ब्लेड्स, सो टोटल एरिया इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई एरिया स्वीप्ड बाय वन ब्लेड, यहाँ पे हम इसे 2 से कैंसिल कर देंगे, सो द आंसर इज 158 125 डिवाइड बाय 126 सेंटीमीटर स्क्वायर।